इस समय में जो मार्ग देंगे बरसात के बाद प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर उतारे कार्यों को लेकर के हम लोग प्रदेश को पूरी तरह गड्ढा मुक्त सड़कें यही जो आपके सामने देख। बहुत किस्मत वाले हैं बलिया के लोग, कितना विकास चाहिए ले लो। आपने विकास की बारिश तो सुनी होगी, विकास का गड्ढा नहीं देखा होगा। एक बार देख लीजिए, बेफिजूल में इसरो नासा वाले मंगल शनि नेपच्यून प्लूटो पर गड्ढा ढूंढने में अरबों फूंक रहे हैं। अरे आइए एक बार जिला बलिया के तीखमपुर मेन रोड पर, यहाँ के लोग विकास के गड्ढे में लोटपोट हो रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री ने बलिया के लोगों का विकास करने के लिए दो दो मंत्री ऐसे ही नहीं बना दिया, विकास होता है तो दिखता भी है। बलिया में तो इतना विकास हुआ कि आप चांद पर से भी देख सकते हैं। तो हुआ ये कि जिला बलिया के तीखमपुर में एक शख्स खराब सड़क के बारे में वीडियो पर कुछ बता रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिक रिक्शा ही पलट गया। ये देखिए रिक्शा पलटता हुआ। लोगों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, हादसा हमेशा ही होता रहता है। अधिकारियों से लेकर नेताओं तक को इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। आखिरकार स्थानीय व्यापारियों ने गड्ढे को भरने के लिए ईंट डलवा दिए, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब हादसों की गिनती मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ हादसे हुए हैं, इतने ज़्यादा यहाँ बच्चे महिलाएं बुजुर्ग घायल होते हैं, तो उनकी गिनती ना हमारे पास है ना यहाँ स्थानीय निवासी दे सकते हैं। ये आए दिन यहाँ घटना हो रही है। अभी एक और चैनल के साथी आए थे, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो साथी थे, यहीं ई रिक्शा पलट गया। तो ये यहाँ की हालत हो गई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार, जिन्होंने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त, हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त और अपराध मुक्त बनाएंगे इस प्रदेश को, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि तीनों मुद्दों पे ये पूरी सरकार एकदम विफल है, फेल है। अपराध भी लगातार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सड़कों की हालत आपके सामने है, आप घूम के देख लीजिए, पूरे विधानसभा की सड़कों को देख लीजिए, पूरे जनपद की सड़कों को देख लीजिए, और बाकी समस्याएँ आपके सामने हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई अब ये शासन प्रशासन की निष्क्रियता है। बार बार स्थानीय निवासी, सामने जो मोहल्ला है उस मोहल्ले के लोग, ये हमारे मोहल्ले के लोग, दूसरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर जाने कितनी बार अधिशासी अभियंता को, जिलाधिकारी को जाके धरना किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तो दो दो सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद जी, बिल्कुल बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ दो राज्यसभा के सांसद हैं, दो लोकसभा के सांसद हैं, दो दो कैबिनेट मंत्री हैं आपके उत्तर प्रदेश की सरकार में, फिर भी देखिए स्थिति जो है यहाँ सुधरने का नाम नहीं ले रही है। खैर, सुना था कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन बलिया के लोगों से पूछिए तो पता चलेगा कि सब्र का फल विकास होता है। देर से ही सही, लेकिन विकास आया है तो भरपूर आया है। योगी राज में विकास ने पूरे इलाके को निहाल कर रखा है। न नाले से निकलता है, न नहर से निकलता है, न पोखर से निकलता है, एकदम पैर जमा कर बैठा है। यहाँ के लोग जहाँ बाल्टी भर विकास मांग रहे थे, वहाँ विकास की नदी बह रही है। चारों तरफ विकास की भीषण दुर्गंध उठ रही है। समझ में नहीं आता कि कौन सा विकास स्वच्छता का विकास है और कौन सा शौचालय का विकास है। विकास की सारी नदियां आपस में मिलजुल कर बड़ी शानदार बदबू में तब्दील हो गई। बात 100 दिन में गड्ढे भरने की हुई, लेकिन यहां के गड्ढों को बदबूदार विकास ने भर दिया। खैर, इस मामले पर जब हमने PWD के साहब से सवाल पूछा तो जवाब वही क्लासिकल मिला, जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराने की कोशिश हो रही है। क्या स्थिति है गड्ढों की, यही बता दीजिए बस, क्या स्थिति है गड्ढों की? पांच दिन मार्ग पर जो गड्ढे बने हुए थे, जिसके कारण जो है छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, उसको दुरुस्त करवा दे रहे हैं। उसके लिए संबंधित कॉन्ट्रेक्टर को बुलाकर निर्देशित कर दिया गया है, वहाँ संभवतः पूरा भी हो जाएगा। जिले में और भी गड्ढे उनको भरा जाएगा? हाँ, उसके लिए भी अभियान चल रहा है। बरसात के कारण जो नया गड्ढे डेवलप हो रहा है, उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसको भराने की व्यवस्था। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।